गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रमानुसार आज से हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट की तरह ही यहाँ भी तीन पेपर होंगे। यहाँ पर है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दूसरा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और तीसरा है मैकेनिक्स। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हिंदी में है अमूर्त बीजगणित, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण और मैकेनिक्स है यांत्रिकी। तीनों ही पेपर आपके 75 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 225 और आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो होंगे 81। फर्स्ट जो पेपर अभी आपने देखा वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित। इसका जो पैटर्न होगा एग्जाम का वो इस तरह से है, आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो 3 यूनिट में डिवाइड किया जाएगा और आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो इस तरह से होगा। पैटर्न आपके तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। पार्ट ए में आपको 15 नंबर के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे डेढ़ डेढ़ नंबर के, तो आपके 10 क्वेश्चन डेढ़ नंबर के हिसाब से हो गए 15 नंबर के। और पार्ट बी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे 3-3 नंबर के जो होंगे 15 नंबर के। और पार्ट सी में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 15-15 नंबर के और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो तीनों यूनिट से आपके कवर होंगे एक एक क्वेश्चंस, जिसमें एक में 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस हो गए 15-15 नंबर के, 45 नंबर के। तो इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 75 मार्क्स। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी एक बार जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में है आपके ग्रुप थ्योरी, ग्रुप एंड एग्जाम्पल्स। इसमें हम ग्रुप पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में इनके ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होगा, सब ग्रुप्स होगा, साइक्लिक ग्रुप्स हम पढ़ेंगे, कोसेट्स, लैग्रैन्ज थ्योरम, फॉर्मेट और आयलर थ्योरम, ये आपका फर्स्ट यूनिट कवर करेगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप और कोसेंट ग्रुप, परमोटेशन ग्रुप, साइक्लिक परमोटेशन। तो इसमें मेनली दो है यहाँ पे, नॉर्मल और कोसेंट ग्रुप और परमोटेशन ग्रुप, ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये इसमें आ जाएगा। ये यहाँ से ये परमोटेशन ग्रुप में, तो ये एक आपकी ये यूनिट हो जाएगी। और इसी के साथ ये केले थ्योरम भी आपके इसी में आ जाएगी। इसी के सेकेंड आ जाएगा आपके होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म, ये वाला पोर्शन जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके जो थर्ड यूनिट आ जाती है वह है रिंग थ्योरी की। तो आपकी दो यूनिट जो है शुरू की वो है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड और थर्ड यूनिट है रिंग थ्योरी से रिलेटेड। इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, जो थर्ड यूनिट है काफ़ी लेंदी है। इसमें रिंग पूरी रिंग थ्योरी है, रिंग है, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सब रिंग होगा, प्राइम फील्ड है, फील्ड ऑफ कोसेंट, आइडियल्स, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, यूक्लिडियन रिंग, UFD यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, पॉलिनोमियल रिंग्स, और ये आपके पॉलिनोमियल रिंग। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस होगा। तो हम अभी आपने देखा फर्स्ट यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका सबसे पहले ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या हमें हमारी प्रिलिमिनरीज होनी चाहिए जो हम ताकि हम ग्रुप समझें। इसमें ग्रुप पढ़ने से पहले हमें जो पढ़ना होगा ये आप 11th और
ट्वेल्थ क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है इसमें सेट, आपने पढ़ रखा है समुच्चय, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेट के क्या होगा, फिर सेट के सबसेट्स क्या होंगे, उपसमुच्चय क्या होंगे, पावर सेट, घात समुच्चय, फिर उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे, कार्तीय गुणन, दो समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, रिलेशन संबंध क्या होता है, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुल्यता संबंध। हम यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेज बनाएंगे, आपने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये तुल्यता कक्ष क्या होते हैं, यहाँ भी एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद आता फंक्शन फलन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार, और उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। ये किस तरह का फंक्शन होता है बाइनरी ऑपरेशन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है ट्वेल्थ क्लास में। इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे आपने पढ़ी हुई है, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, ये सब पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे यहाँ पे ग्रुप पे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि हमें ग्रुप पढ़ने से पहले किन किन कॉन्सेप्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे जब तक हम कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ लेते हम ग्रुप नहीं समझ सकते। तो एक बार हम ब्रीफली ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेट थ्योरी से। अभी आपने देखा यहाँ पे कलेक्शन पढ़ेंगे, फिर है सेट, समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है, समुच्चय है वेल डिफाइंड लिस्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे संग्रह है, किसका संग्रह है, ऑब्जेक्ट्स का संग्रह है, कोई भी वस्तु का संग्रह है, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। कलेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ कलेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में विद्यार्थियों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, भारत में सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह। तो ये कुछ संग्रह हमने लिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमने कलेक्ट किया है। तो हम ये देखें यहाँ पे कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा हम उसी को समुच्चय कहेंगे। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, वेल डिफाइंड का मतलब है यहाँ पे जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट दिया, गिवन एनी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, प्राकृत संख्याएं होगी, जैसे मैं कहूँ कि 5। अब जैसे मैंने 5 कहा तो इसका मतलब है कि क्या 5 नेचुरल नंबर है। यदि आप किसी से भी पूछे तो सबका एक ही जवाब होगा हाँ। तो हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, या किसी से भी पूछे तो उनके ये सोचने में या ये कहने में कहीं मतभेद नहीं होगा विचारों में कि 5 प्राकृत संख्या है या नहीं है। सबका जवाब होगा हाँ, देर इज नो एम्बिग्यूटी टू डिसाइड दैट 5 इज ए नेचुरल नंबर और नॉट। हम ये निश्चित कर पाए डेफिनेटली कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं, तो फिर वो जो संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, वो कहलाएगा सेट। पहले एग्जांपल में आपने देखा कि कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे हमने बोला 6 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, तो ये जो कलेक्शन है वो आपका हो गया वेल डिफाइंड। इसलिए हम पहले वाला जो कलेक्शन है इसको हम सेट कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। सेकंड, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में बुद्धि विद्यार्थियों का संग्रह है। अब किसी कक्षा में कितने भी विद्यार्थी हो सकते हैं, 50, 100, 150। हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात करें कि ये जो स्टूडेंट है क्या इस क्लास में है, यदि वो है तो हम हाँ कहेंगे, नहीं है तो ना कहेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा हमारे पास। ऐसा नहीं कह सकते कि
कक्षा में हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, पता नहीं, शायद हो। दो ही सिचुएशन होगी, या तो होगा या नहीं होगा। तो यदि ऐसा है, यहाँ पे ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, तो ये जो सेकेंड है ये भी क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा। थर्ड, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव जो लगा हुआ है यहाँ पे, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कोई कहें कि राहुल द्रविड़ भारत के एक सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग व्यक्तियों से यदि राय जाने, हो सकता है किसी के नज़र में राहुल द्रविड़ अच्छा क्रिकेट प्लेयर नहीं हो, यहाँ पे हो सकता है सबकी ऑब्जर्वेशन, सबके जो थिंकिंग है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर प्लेयर जो अच्छा है या नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी की नज़र में सचिन अच्छा खिलाड़ी है, किसी की में नहीं है। यहाँ पर ये जो इस तरह का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हम कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया को वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। तो ये कलेक्शन है सिर्फ, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो इंटेलिजेंसी है इसका कोई हमारे पास पैरामीटर नहीं है कि हम ये मेजर कर पाए कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या नहीं है। सबके अपने इंटेलिजेंसी चेक करने के पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, किसी के नज़र में एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, दूसरे के नज़र में नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सेट नहीं होंगे, सिर्फ कलेक्शन है। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ पे सुपरिभाषित समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो अभी आपने देखा यहाँ पे समुच्चय हमने पढ़ा, समुच्चय किस तरह से लिखे जाते हैं। समुच्चय ये जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, हम यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, समुच्चय के अवयव। समुच्चय को जनरली इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, और इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके अवयव, इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखा किस तरह से जाएगा, इफ एक्स इज एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ सेट ए, यदि कोई सेट ए है उसका एक्स कोई एक एलिमेंट है, तो हम उसको इस तरह से बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए और एक्स इज ए मेंबर ऑफ द सेट ए, और हम इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। एंड इफ वाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, देन वी से वाई डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, वाई समुच्चय ए का से संबंध नहीं रखता है, वाई इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट ए, वाई समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समुच्चय को किस तरह से लिखा जाता है, समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है, रोस्टर फॉर्म में किसी समुच्चय को किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ इस फॉर्म में हम समुच्चय के सभी या अवयवों को या उसके कुछ अवयवों को लिस्टिंग करते हैं, यहाँ पे एक एक करके लिखते जाते हैं, और एलिमेंट्स को जब लिखते हैं तो उनको हम कोमाज सेपरेट करते हैं, और ये सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, जब लिखते समय ध्यान रखना है हमें, कोई भी एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना है, एक एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है सेट में। लिस्ट के अंदर यदि हम बात करें, आगे भी हम बात करेंगे, जब तक हमें ये कंफर्म नहीं हो जाए कि इस लिस्ट में कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है, तब तक हम उसको सेट नहीं कहेंगे। सेट लिखते समय हम उस एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। सेकेंड है द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स इज इमेटेरियल, आप जो एलिमेंट लिख रहे हैं उनका ऑर्डर हम
हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सेट बदलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है 2, 3, 6, 9, ये एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 4। यहाँ पर भी एक सेट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इसमें एलिमेंट है 2, 3, 6, 9। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हमने लिखा है 3, 9, 2, 3, ये 3 की जगह आप इसमें 6 कर लीजिए, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम एलिमेंट होगा, यहाँ पे इधर भी है 2, 3, 6, 9, यहाँ पे भी 3, 9, 2, 6, तो दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, ऑर्डर अलग है यहाँ पे, तो इनको सेम ही एक ही सेट माना जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश अल्फाबेट्स में ये भी एक तरीका हो गया, जैसे हमने कहा सेट ए ऑफ वोवल्स, स्वरों का समुच्चय, ये हमने लिख दिया, इसमें सारे एलिमेंट्स थे क्योंकि कम थे, इसमें हमने हर एलिमेंट को एक कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दिया है। दूसरा सेट है सेट बी ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब यहाँ पे 10 है, 10 भी हम लिख सकते थे, लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा कर दें यहाँ पे 100 या 1000, तो सारे एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसमें से कुछ एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर, 1, 2, 3 हमने लिखा, फिर डॉट डॉट करके लास्ट एलिमेंट 9 हमने लिख दिया है। तो इसमें लिस्टिंग की जाती है हर एलिमेंट की इस तरह से। सेकेंड है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर, सेट बिल्डर फॉर में किस तरह से लिखा जाता है, इसमें क्या होता है जो समुच्चय होता है उनके जो एलिमेंट्स है सेट के, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को हम फाइंड करते हैं कि उस कोई भी एलिमेंट उस सेट में कौन सी प्रॉपर्टी रखते हुए उसमें इंक्लूड किया गया है, तो वो हम जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो यदि हम उसको रिप्रेजेंट करें पी एक्स से, तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, और जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है उसको जनरली एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा जैसे कोई सेट ए है उसको लिखा जाएगा ए, यू आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स लिख दिया, फिर इसको ये जो है इसको बोलेंगे हम सच दैट, उसके बाद में उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाएगी इस तरह से। दो तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सच दैट को इस तरह भी लिख देंगे और इस तरह भी लिख देंगे, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिए थे लास्ट स्लाइड के अंदर, सेट ऑफ सेट ए ऑफ वोवल्स, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स इज ए वोवल, इस तरह से लिख दिया आप, तो ये उसकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि जितने भी उसमें अल्फाबेट ए ई आई ओ यू थे वो सारे क्या वोवल थे, तो उसकी प्रॉपर्टी लिख दी गई है, क्योंकि एक्स कोई भी एक जनरल आर्बिट्रेरी यदि एलिमेंट है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो एक वोवल होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। दूसरा था हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर, किस तरह का है, पहले तो है कि ये एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10 वो 10 से कम है, आप इसको यदि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है सच दैट एक्स लेस देन 10। फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, यहाँ पे सेट में हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट, इसको हिंदी में बोलेंगे रिक्त समुच्चय। तो एम्प्टी सेट क्या कह रहे हैं, किसको कहेंगे, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको कहेंगे एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय, और हम इसको फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट ए है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये जहाँ पे जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय, सच दैट 3 लेस देन एक्स लेस देन 4, 3 और 4 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, इसका मतलब सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसको हमने कहेंगे यहाँ पे एम्प्टी सेट। सेकंड फाइनाइट और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट क्या होगा, आइदर इट इज एम्प्टी सेट, या तो वो एम्प्टी सेट हो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, या फिर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यदि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम उसके यदि लिस्टिंग कर पाए एलिमेंट्स की बाय नेचुरल नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे एक एक को हम गिन सके, काउंट कर सके 1, 2, 3, 4 हर एलिमेंट को,
और इस तरह से करें सच दैट आफ्टर अ डेफिनेट सर्टेन स्टेज द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग स्टॉप्स, हमारा जो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग है वो स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम गिनते ही जाएं, ख़त्म ही ना हो। यदि हमारा प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग या काउंटिंग ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो हम उसको सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, अपरिमित समुच्चय। और इसमें फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे हम उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द सेट, और उसको या उसको हम बोलते हैं कार्डिनेलिटी ऑफ सेट, ये भी बोलते हैं। और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इस तरह से ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनेलिटी ऑफ अ सेट, एन ए या ऑर्डर ऑफ ए। जैसे इस यहाँ पे है एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय सच दैट मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये हो गया कि कौन से इंटीजर्स होंगे इसमें, ये मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पे, तो ये इस है माइनस टू और टू के बीच वाले, इसमें टू भी इंक्लूड है यहाँ पे, माइनस टू भी है, तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, देर आर फाइव एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो यहाँ पे कार्डिनेलिटी या ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू फाइव हो गया। इसी तरह से x सच दैट x बिलोंग्स टू z मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू से छोटे सारे इंटीजर्स और टू से बड़े सारे इंटीजर्स, तो इसमें कितने इंटीजर्स हो जाएंगे इस सेट में, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट हो गए, हम कभी इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया और ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। हम इक्वल सेट्स, समान समुच्चय, कोई भी दो सेट है उनको हम इक्वल कब कहेंगे, कोई भी दो सेट ए और बी है उनको हम इक्वल सेट या समान समुच्चय कहेंगे यदि सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो। कुल मिला के हम ये कहें कि दोनों सेट सेम हैं प्रिसाइसली, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम हैं, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्वल टू बी, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि एक्स ए में है तो वो बी में होगा, एंड ये एंड का है सिंबल, मैथमेटिकल नोटेशन, एंड यदि एक्स बी में है तो वो ए में भी होगा। जैसे यहाँ पे तीन सेट हमने लिखे हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, देखते हैं यहाँ पे ए में वन और टू एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यदि इस इक्वेशन को सोल्व करें तो इसके जो रूट्स आएंगे वो भी वन और टू ही आएंगे, इसका मतलब ए और बी दोनों सेट, लिखने का अलग अलग तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों सेट एक ही है, क्योंकि इसको भी हम यदि लिखें रोस्टर फॉर्म में तो यही निकल के आएगा वन टू। यहाँ पे ए सेट ए एंड बी आर इक्वल, यहाँ पे सी सेट की बात करें तो एक्स एक नेचुरल नंबर इस तरह का है, एक्स लेस देन इक्वल थ्री, यहाँ पर इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो वन टू थ्री, थ्री यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये फाइव नहीं है यहाँ पे, ये तो ये जो सी सेट है वो एक इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ए और बी इक्वल है, ए और सी इक्वल नहीं है। हम नेक्स्ट स्लाइड में और अलग अलग तरह के सेट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। धन्यवाद।